मैंने रिसेंटली फ़ैशन डिज़ाइनिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया है कॉलेज में एडमिशन लिया है सो so जो कॉलेज आई है मैं कोलकाता से हूँ इसीलिए मैं कोलकाता के जो आई एन एफ डी शॉट लेक है उसमें मैंने एडमिशन लिया है आप सभी जानते हो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा अगर नहीं देखा वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो आप जाकर वीडियो को देख लेना तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि क्यों मैंने आई एन एफ डी चूज़ किया फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस है मैं वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर रहा हूँ सिर्फ़

हमें हर वक्त अपने वीडियोस में बताता हूँ कि बेस्ट इंस्टीट्यूट जाओ बेस्ट इंस्टीट्यूट जाओ तो मैंने क्यों आई एन एफ डी चूज़ किया तो सबसे पहला पॉइंट है निफ्ट पल जितने सारे जो इतने इंस्टीट्यूट है प्राइवेट और गवर्नमेंट हो इन जो इंस्टीट्यूट है ना ये जो कॉलेजेस है ना इनका फ़ीस इतना ज़्यादा है मतलब निफ्ट का फ़ीस सोचो ओवरऑल तो निफ्ट का जो फीस है वो फोर्टीन से फिफ्टीन लाख तक हो जाता है और पल का तो छोड़ो ही बिकॉज वो थर्टी लाख तक पहुँच जाता है और कोलकाता में मुझे नहीं लगता पल कहाँ पर है मैंने तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में वीडियो बनाए हैं अभी तक तो मुझे पल के बारे में पता नहीं चला और अगर दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में बोला जाए उनका भी फीस मतलब सभी के बारे में मैं नहीं बोल रहा उनका फ़ीस भी मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो आई का फीस भी है बट अफोर्डेबल फीस में होता है तो ये फ़र्स्ट पॉइंट है और निफ्ट का जो एग्ज़ाम है मुझे लगता है कि निफ़्ट का एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन है मैं अगर प्रिपरेशन करने भी जाता हूँ कोई कोचिंग सेंटर के या खुद से भी उसके लिए भी बहुत टाइम जाता है और एग्ज़ाम दो प्रिपरेशन लगा एग्ज़ाम में बाई एनी चांस मैं सिलेक्ट ना हो पाऊँ हो पाऊँ बिकॉज बहुत सारे प्रोसेस होता है एग्ज़ाम सिलेक्ट करने का इसीलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और इसीलिए मैंने आई को चूज़ किया निफ्ट के निफ्ट को छोड़ तो ये फ़र्स्ट पॉइंट है एक फीस और जो टाइमिंग है इन दोनों के वजह से मैंने निफ्ट को साइड किया तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आई का जो आ, रेपुटेशन है कोलकाता में आई का जो रेपुटेशन है सिर्फ कोलकाता नहीं ओवरऑल इंडिया में आई के वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है सभी इंस्टीट्यूट सभी सेंटर बहुत अच्छा है बिल्कुल नहीं आप सभी इंस्टीट्यूट अच्छा है आई का ये एक गलतफहमी अपने दिमाग में मत लाना बिकॉज़ कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट ही अच्छा जगह पर है आई का तो कोलकाता में जो सॉट लेक में आई है तो वो बहुत अच्छा रेपुटेशन में और प्लेटिनम सेंटर भी हो चुका है इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इंस्टीट्यूट का क्योंकि उन लोगों का जो फैशन वगैरह फ़ैशन शो होता है और दूसरे जो एक्टिविटीज़ होता है एग्जिबिशन होता है स्टूडेंट्स का और प्लेसमेंट भी अच्छा है मैंने सुना है खुद आईएनएफडी के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से मैंने रिव्यू लिया है अपने एडमिशन से पहले तो रेपटेशन की वजह से मैंने ये कॉलेज चूज़ किया ये दो नंबर पे नंबर थ्री पर जो पॉइंट है वो है लोकेशन मेरा घर तो आई एन एफ डी जो सॉल्ट लेक है कोलकाता से मेरा घर टू आवर्स का है ट्रेन में तो कोलकाता में जितने सारे फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेजेस है सबसे पास मेरा जो लोकेशन है कॉलेज का वो है आई एन एफ डी सॉल्ट लेक का लोकेशन बिल्कुल सबसे पास है मेरे घर से आ, वहाँ पर जाने के लिए मुझे करीब टू आवर्स थर्टी मिनट लगता है सिर्फ जाने के लिए क्योंकि मैं रेगुलर ट्रैवल करना चाहता हूँ इसीलिए मैंने इतना अच्छा लोकेशन एक कॉलेज ढूंढ रहा था जहाँ पर एक अच्छा लोकेशन का कॉलेज हो इसीलिए मैंने आई एन एफ डी चूज़ किया बिकॉज ट्रेन से मेट्रो से बस से ऑटो से कई भर से मैं आई एन एफ डी सॉल्ट लेक में जा सकता हूँ लोकेशन बहुत अच्छी जगह पर है इसीलिए नंबर फोर पर जो पॉइंट है वो पॉइंट है एक्सपीरियंस एंड फैशन कॉलेज एक्सपीरियंस फैशन कॉलेज कोलकाता में बहुत सारे कॉलेजेस हैं बहुत सारे फैशन डिजाइनिंग कॉलेज है बट आई एन एफ डी बहुत ही पुराना कॉलेज है आई एन एफ डी लेक तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है देखो एक एक कॉलेज जो है वो प्लेटिनम सेंटर हो चुका है आई एन एफ डी लेक तो इसका मतलब है ये कॉलेज उससे पहले भी काफ़ी सारे काफ़ी सारे मतलब उनका जो स्टेप है प्लेटिनम से पहले भी बहुत सारे स्टेप आ, ओवरटेक करने के बाद प्लेटिनम सेंटर नाम हुआ है इंडिया में तो इसीलिए मैंने चूज़ किया ये कॉलेज क्योंकि कॉलेज का रिपोटेशन भी आफ्टर ऑल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जिस कॉलेज का माहौल जो है ना जो फैशन की तरफ होता है तो इसीलिए आई डी चूज़ करने का मेरा मेन रीज़न है एंड नंबर फोर पर जो है नंबर फोर पर जो पॉइंट है वो है जहाँ फ़ैशन कोर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है आई एन एफ डी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इंटेरियर डिज़ाइनिंग फैशन डिजाइनिंग बहुत कोर्सेस होता है बट मुझे लगता है कि फैशन डिज़ाइनिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होता है ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल होता है और जहाँ पर सभी कोर्स में फ़ैशन एक होता है तो मैं एक ऐसा कॉलेज ढूंढ रहा था जहाँ पर फ़ैशन डिज़ाइनिंग को एक अच्छा सा प्रायोरिटी मिले कॉलेज में कॉलेज की तरफ से एक अलग सा ध्यान दे फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के ऊपर तो इसीलिए मैंने आई एन एफ डी शॉटलेक को चूज़ किया एंड नंबर फाइव पर जो है मैं इस तरफ क्या देख रहा हूँ लिस्ट मैंने ऑलरेडी लिस्ट बनाया रखा था मैंने लिस्ट को तो इसीलिए मैं इस तरफ देख रहा था तो नंबर फाइव पर जो पॉइंट है वो है ड्रीम कॉलेज ये तो आप सभी जानते हो कि ऐसे नहीं है कि कॉलेज का रेपुटेशन फीस अफोर्डेबल फीस में हो जाता है ये सब कुछ देखने बाद मैंने ये कॉलेज चूज़ किया ये मेरा ड्रीम कॉलेज है पहले से जब मैंने ट्वेल्थ पास किया जब मेरे दिमाग से निफ्ट निकल गया उसके बाद ही अगर मुझे लगता है कि कोलकाता में अगर कोई डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं करूँ तो आई एन एव रिशॉर्ट लेके इसीलिए मैंने ये कॉलेज चूज़ किया देखो कॉलेज अथॉरिटी से मुझे कोई ऐसा बोला नहीं गया कि कॉलेज के बारे में अच्छा बात बताओ मैं अब वहाँ का स्टूडेंट हूँ मैंने एडमिशन लिया है अब पढ़ने भी जाऊँगा मैं वहाँ पर तो मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है मैं किसी पर्टिकुलर एक कॉलेज को मैं ऑनेस्टली आप लोगों के साथ बात करता हूँ मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के ऊपर वीडियो बनाया है इसीलिए ऐसा मत सोचना कि पर्टिकुलर एक कॉलेज को मैं प्रमोट कर रहा हूँ ये कोई प्रोमोशन वीडियो नहीं है ये मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है और जो मेरे टच में रहेगा जो यूट्यूब चैनल पर मेरा वीडियो देखता है उन लोगों को पता है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और आगे जाकर मैं क्या क्या करूँगा सभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि कॉलेज से मुझे ये सब अच्छा अच्छा बोलने के लिए कहा है ख़ुद का एक्सपीरियंस है मैंने खुद जहाँ वहाँ पर देखा था तो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ कि कोलकाता से अगर हो अगर कोलकाता में डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट करना चाहते हो आई चूज़ करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैंने पर्सनल खुद से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिक पर मैंने एडमिशन लिया है सभी के अलग अलग ओपिनियन होता है तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी आप ट्राई कर सकते हो बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं तो गाइज आज के लिए इतना ही मैंने करीब पाँच पॉइंट आप लोगों को बता दिया अगर आप और भी कुछ जाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड इफ यू टॉक टू मी डायरेक्टली देन मैसेज में इंस्टाग्राम आ रही है इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना बिकॉज वहां पर बहुत सारे फैशन इलिस्टेशन फैशन सब्जेक्ट रिलेटेड में अपडेट देता रहता था इसीलिए तो फिर मिलते हैं अगले फैशन रिलेटेड वीडियो में तब तो तक के लिए स्टेप स्टेप से